गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7, सब्जेक्ट मोरल वैल्यू, चैप्टर 2, सेल्फ कंट्रोल, पार्ट 2 है इसका। ये तो ये स्टोरी थी जो मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन की थी, इसको एक बार फिर से हम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप चाहें इसका इंग्लिश में रीडिंग करिएगा 2-4 बार और हिंदी में आपको इसकी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। ये स्टोरी थी सेल्फ कंट्रोल। एक वेरी बेल्जियम के महान टीचर, बेल्जियम के ग्रेट टीचर, जिनके 4 होमहार स्टूडेंट थे, जिनका नाम था चार्ली, नॉडी, शिनचैन एंड रोबिन, पर इन बच्चों के अंदर बहुत घमंड था। ये चारों बच्चों अपने आप को महान समझते थे। वो ये सोचते थे कि हम दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा ही होशियार हैं, समझदार हैं, अच्छे हैं। तो जब कोई भी एक्टिविटी होती रहती है ना क्लास में, स्टूडेंट्स कितना भी समझें कि टीचर नहीं समझ रहा है, पर टीचर को सब समझ में आता है। कभी कभी टीचर इग्नोर कर देता है, चीज़ को टाल देता है, और कभी कभी टीचर आपको आपके फेस पे बोल दे। तो ऐसी ही मेंटेलिटी इन चारों स्टूडेंट्स की थी। उनके अंदर एटीट्यूड आ गया था, अपने आप को महान समझने लगे थे, और ये चीज़ें उनके जो टीचर थे वो अच्छी तरीके से समझ रहे थे। तो उनके मन में एक ख्याल आया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन चारों बच्चों का टेस्ट लिया जाए, इन चारों को देखा जाए कि ये कितने होशियार हैं। इसलिए ये सोचते हुए उन्होंने इन चारों के टेस्ट लेने की निर्णय लिया और उन चारों को ये बोला कि ही टोल्ड देम, उन्होंने बोला देन दे वुड हैव टू रिमेन साइलेंट फॉर 2 days and nights। आपको 2 दिन और 2 रातों तक साइलेंट रहना है, बिल्कुल चुप रहना है। And must not speak at all। और बिल्कुल भी आपस में बातचीत या किसी से भी कोई बातचीत नहीं करनी। The one who passed this test, जो एक बच्चा इस टेस्ट को पास कर लेगा, would be the brightest and the best, वही सबसे अच्छा माना जाएगा। तो उन चारों को ये लगा कि अरे ये तो बहुत ही इजी सा टेस्ट है, ये तो हम बहुत आसानी से पार कर लेंगे। तो रात का अंधेरा था, चारों पढ़ रहे थे, अलग अलग सोच में थे, कोई कुछ सोच रहा था, कोई कुछ सोच रहा था। अचानक से वो जो कैंडल थी, मोमबत्ती जिससे वो लोग पढ़ रहे थे, जो रोशनी कर रही थी, वो बुझ गई। ओह नो, द कैंडल इज आउट, शाउटेड चार्ली। जैसे ही वो मोमबत्ती बुझी, चार्ली जो था चिल्लाया कि मोमबत्ती बुझ गई। यू लॉस्ट, यू टॉक्ड, लाफ्ड, शिनचैन। उसके बाद अब एक बच्चा तो बोल दिया, अब उसके बाद शिनचैन बोला तुम भूल गए, तुम बोल पड़े हो। ठीक है,
अब दो बच्चे हो गए, पहले चार्ली बोला, फिर शिनचैन भी बोल दिया। उसके बाद हंसने की आवाज आई, आई एम विनर। सॉरी, पहले मोमबत्ती बुझ गई, ये चार्ली ने बोला कि यू लॉस्ट यू टॉक, तुम भूल गए, तुम बोलने लगे। ये शिनचैन ने बोला, फिर हंसने की आवाज आई, सो डिड यू शिनचैन, सेट नॉडी। तो उन्होंने बोला, क्या तुम जीत गए हो, ये बात नॉडी ने बोली। उसके बाद आखिरी में रॉबिन बोला, आई एम विनर, मैं जीत गया, ये नॉडी बोला। ठीक है, तो ये नॉडी बोला। तो ये चारों की हो गई बात, एक एक करके चारों ही बोल पड़े। और यहाँ उन्हें लास्ट वाले को ये लग रहा था कि हम जीत गए, और उसे लग रहा था हम जीत गए, पर नहीं, चारों ही एक साथ बोल पड़े। फिर उनके टीचर ने उन्हें बताया, उन्हें लग रहा था कि वो विनर हैं, पर उनके टीचर ने बताया कि नहीं, आप विनर नहीं हो, आप बोल पड़े हो, तो आप विनर बिल्कुल भी नहीं, आप ये टेस्ट हार गए हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, और ऐसा व्यक्ति विनर नहीं हो सकता, ये उनके टीचर ने बताया। ठीक है, तो ये स्टोरी थी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जो कि हमें लगता है हमारे अंदर बहुत है, बट शायद उसकी कमी होती है कहीं ना कहीं हमारे अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।